हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? और आज हम मटर की कचौड़ी बना रहे हैं, तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर करते हैं। हमने उस दिन रखा था पर समय नहीं मिला, नहीं बना पाई, तो हम आज बना रहे हैं। और ये मटर है, और ये मिर्चें तो लूँगी, और ये लहसुन पूरा इसमें ऐड करूँगी। तो इनको छिलका निकाल कर डाल देती हूँ और ग्राइंड करती हूँ, ठीक है? और बहुत ही यम्मी बनती है ये, और अच्छे लगे ना तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो आगे बनाते हैं और देखिएगा, जरूर स्किप मत करिएगा पूरी। और ये हमने ग्राइंड में डाल दिया, और इसमें पानी वगैरह कुछ भी नहीं डालूंगी। इसको ऐसे ही हम इसको अच्छे से इसको पीसते हैं, ठीक है? और ये देखिए, हमारा मटर अच्छे से पीस गया है। और इसको हम एक बॉल में निकाल लेती हूँ, ठीक है? मैं इसमें निकालूंगी क्योंकि इसी में मैं आटा का डो तैयार करूंगी, तो इसी में डाल लेती हूँ। और हमने आटा ले लिया, और इसमें हम थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। ये अजवाइन डालूंगी, थोड़ा थोड़ा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। और इसके साथ जो जरूरी है, जो खाने का मना टेस्टी बनाएगा, वो है नमक, क्योंकि इसके बिना हर खाना बेकार है, वेस्ट है ना? और इसको हम अच्छे से इसको मिला लेते हैं, और फिर इसके हम डो तैयार करते हैं, ठीक है? और हमारा डो तैयार हो गया कुछ इस तरह। अब हम इसकी कचौड़ी बनाते हैं, और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो गई है, जिसमें कचौड़ी हम डाल देते हैं, ठीक है? और ये हमारी मटर की कचौड़ी तैयार हो गई है ना? और आप भी आइए और आप भी खाइए, ठीक है? और ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही यम्मी बनता है, और बहुत जल्दी बना के बन गया, ज़्यादा इसमें मेहनत कुछ भी नहीं लगा, है ना? और इसको आप या चटनी के साथ या सॉस के साथ खा सकते हैं, ठीक है? और ये हमारी पूरी कचौड़ी बनकर तैयार हो गई है, आप भी लीजिए और खाइए। और फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। ओके एंड बाय बाय, टेक केयर।